हेलो एवरीवन, ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का हांडा का जो एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस अवेलेबल है। इसमें से हम लोग सबसे पहले जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। करीब 10 से 15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया जो का लेवल थोड़ा सा ठीक है और बाकी का जो क्वेश्चन है वो बेसिक है। तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही बोल देते हैं, उसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन बचा उसे देख लेंगे। और ये जो वीडियो है रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन नहीं देंगे, बस क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बता देंगे ताकि आप इसको बार बार रिवीजन कर सके, बार बार सुन सके और सुनते सुनते ये जो क्वेश्चन है आपको फिर याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आते हैं, सबसे पहले जो पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है उसमें से क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्पेसिफिकेशन रेफर्स टू एपीटी विथ वन गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्पेसिफिकेशन रेफर्स टू एपीटी विथ वन गेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3N। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इन ए नॉर्मली बायस्ड NPN ट्रांजिस्टर द मेन करंट क्रॉसिंग द कलेक्टर जंक्शन इज। इन ए नॉर्मली बायस्ड NPN ट्रांजिस्टर, नॉर्मली बायस्ड NPN ट्रांजिस्टर है, मेन करंट क्रॉसिंग द कलेक्टर जंक्शन, मेन इसमें कौन सा करंट है जो कलेक्टर जंक्शन को पास करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, इन ए ट्रांजिस्टर करंट ICBO फ्लो वेन, ट्रांजिस्टर में करंट ICBO कब फ्लो करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सम डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इन द रिवर्स डायरेक्शन टू द कलेक्टर जंक्शन। कलेक्टर जंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, ठीक है। कलेक्टर जंक्शन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे विथ द इमीटर ओपन, और जो हमारा इमीटर है वो ओपन रहेगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर आर ऑलवेज। इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का वो क्या होता है, इन फेज होता है कि आउट ऑफ फेज होता है, तो इसका सही आंसर होगा आउट ऑफ फेज, ये जो होता है आउट ऑफ फेज होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, इन ए ट्रांजिस्टर लीकेज करंट मेनली डिपेंड ऑन। लीकेज करंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ इमीटर पर, रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर पर, या फिर टेम्परेचर पर। सही आंसर हो जाएगा लीकेज करंट जो होगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट वीड बी रेफर्ड फॉर ए 455 किलो हर्ज इन्फ्रारेड एम्पलीफायर। ठीक है, 455 किलो हर्ज IF एम्पलीफायर के लिए कौन सा सर्किट रेफर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डबल ट्यून एम्पलीफायर ट्रांसफॉर्मर, सॉरी डबल ट्यून ट्रांसफॉर्मर इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द इमीटर बायस लार्जली डिपेंड ऑन। इमीटर बायस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो सही आंसर होगा IG। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द लीकेज करंट इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन मे बी अराउंड। लीकेज करंट जो होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वो कितना होगा, तो ये होगा फ्यू हंड्रेड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कॉमन इमीटर में होगा फ्यू हंड्रेड माइक्रो एम्पियर। उसके बाद है, विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर ऑपरेट विथ लीस्ट डिस्टोर्शन, सबसे कम डिस्टोर्शन किस में देखने को मिलता है, तो सही आंसर होगा क्लास ए में लीस्ट डिस्टोर्शन होगा। उसके बाद इन RC कपल्ड एम्पलीफायर फॉर इम्प्रूविंग द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन RC कपल्ड एम्पलीफायर फॉर इम्प्रूविंग द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए हाई CC का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा वो हाई होगा। उसके बाद है, ए क्वोशेंट स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर इम्प्लाई, क्वोशेंट स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, नो इनपुट सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, दो ट्रांजिस्टर है सीरीज में कनेक्टेड है विथ ए DC सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज DC दिया जा रहा है, तो वो कौन सा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा स्टैक्ड वोल्टेज। ठीक है, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ट्रांजिस्टर मतलब स्टैक वोल्टेज में दो ट्रांजिस्टर होगा और दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सप्लाई इसमें DC दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, इन ऑक्सीलेटर
क्लास सी ऑपरेशन इज रेफर्ड बिकॉज इट क्लास सी ऑपरेशन क्यों रेफर करते हैं ऑक्सीलेटर में, क्योंकि इसका एफिशिएंसी हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच कपलिंग प्रोड्यूस द मिनिमम इंटरफेरेंस विथ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। इसमें से कौन सा कपलिंग है जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के साथ मिनिमम इंटरफेरेंस करता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, कंप्लीमेंट्री सिमेट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सिमेट्री यूज टू ट्रांजिस्टर डेट आर, ये जो कंप्लीमेंट्री सिमेट्री होता है इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो इसमें कौन कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, तो एक पीएनपी होगा, दूसरा एनपीएन होगा। उसके बाद द डार्लिंगटन पेयर कंसिस्ट, डार्लिंगटन पेयर में कौन कौन सा दो ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों का दोनों होता है कॉमन कलेक्टर, डार्लिंगटन पेयर में दोनों कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद इन एम्पलीफायर द पैरासिटिक ऑक्सीलेशन रिजल्ट ड्यू टू, एम्पलीफायर में पैरासिटिक ऑक्सीलेशन होने का वजह क्या है, क्वेश्चन नंबर 83, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर इंटर जंक्शन कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर इंटर जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो पैरासिटिक ऑक्सीलेशन का रीजन है। उसके बाद 91, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन ऑपरेट क्लास ए बी फॉर ऑडियो पावर आउटपुट, कौन सा इसमें से कौन सा सर्किट है जो क्लास ए बी ऑडियो पावर आउटपुट में क्लास ए बी के लिए यूजफुल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्लिंगटन पेयर डी। उसके बाद 92 है ए डीसी एम्पलीफायर, डीसी एम्पलीफायर में क्या होता है बोथ एसी और डीसी दोनों। उसके बाद द बैंडविथ ऑफ एम्पलीफायर इज बी डब्ल्यू, बैंडविथ अगर बी डब्ल्यू है एम्पलीफायर का, इफ एन स्टेज ऑफ सच एन एम्पलीफायर आर कास्केडेड, एन एम्पलीफायर एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, द बैंडविथ विल बिकम, तो अब बैंडविथ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बैंडविथ बाई 2 के पावर 1/n-1। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस जेफेंट, इसका सही आंसर है सी। उसके बाद 100 नंबर है ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑपरेट करता है, एनहांसमेंट या डिप्लेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेफेट जो होता है सिर्फ डिप्लेशन मोड में वर्क करता है, मॉस्फेट होता है एनहांसमेंट और डिप्लेशन दोनों मोड में वर्क करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ जेफेट रिसेंबल्स दोज ऑफ, किसको प्रॉपर्टी ऑफ जेफेट जो होता है किसके साथ मैच करता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ इसका प्रॉपर्टी मैच करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है द इनपुट गेट करंट ऑफ एपीटी क्लोजर टू, इनपुट गेट करंट एपीटी में कितना होता है, तो ये होता है निग्लिजिबली स्मॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट एज एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्टेड बेस टू बेस एंड इमीटर टू कलेक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट एज एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्टेड बेस टू बेस, ठीक है, एनपीएन और पीएनपी दोनों बेस टू बेस कनेक्टेड होंगे और इमीटर कलेक्टर से कनेक्टेड होगा, तो वो होता है एचसीआर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस, फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस इसमें कौन सा है, तो मॉस्फेट फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट है जो डिफिकल्ट लेवल का है वो है 100 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एपीटी, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो हाई इनपुट इम्पीडेंस सही है, इट इज लेस नॉइजी देन बाइपोलर ट्रांजिस्टर सही है, इट हैज लार्ज गेन इन टू बैंडविड्थ, ये इसका गलत है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एपीटी इज, यहाँ पर फिगर 31 में एक एपीटी दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर ए वाला फिगर है और इसमें पूछा है एक किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो ए है सोर्स फॉरवर्ड टाइप, सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 116 है कैस्केडेड एम्पलीफायर विच इज ऑफन यूज्ड इन आईसी, आईसी में यूज होने वाला कैस्केडेड एम्पलीफायर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट कपलिंग। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस, इसमें किसमें हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा मॉस्फेट, मॉस्फेट का हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस होगा। उसके बाद क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैन एक्सपेक्टेड इन, हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सही आंसर होगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर।
आईसीबीयू करंट इज, आईसीबीयू करंट क्या है, इंक्रीज विथ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है आईसीबीयू। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ एम्पलीफायर, इसमें एफिशिएंसी को कौन इंडिकेट कर रहा है, तो एफिशिएंसी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी हो जाएगा एसी पावर आउटपुट, ठीक है, एसी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई डीसी डिसिपेटेड एट द आउटपुट इलेक्ट्रोड, डीसी डिसिपेटेड एट द आउटपुट इलेक्ट्रोड। ट्रू फॉल्स में से तीन क्वेश्चन है जो थोड़ा ठीक ठाक था, तो वो तीनों को पहले ही देख लेते हैं। यह है इसमें 104, द गेट इलेक्ट्रोड इन एपीटी करस्पॉन्ड टू द कलेक्टर इन ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर, एपीटी में जो गेट है वो कलेक्टर के समान होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, तो 104 का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 144 का सही आंसर हो जाएगा ट्रू, ये सही है। उसके बाद 146 है, जेफेट हैज हायर इनपुट इम्पीडेंस देन मॉसफेट, ये बोला है 46 में कि जेफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो मॉसफेट की तुलना में ज़्यादा होता है, तो एक गलत है, मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। उसके बाद है 108 डार्लिंगटन पेयर 148 कंसिस्ट टू इमीटर फॉलोअर इन कैस्केडेड, तो डार्लिंगटन पेयर में दो कॉमन कलेक्टर लगा हुआ होता है, ये हमारा सही है 148 सही हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी का बेसिक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं और उसको भी आप लोग बार बार सुन करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में हमें क्या बेनिफिट मिलता है ट्रांजिस्टर का, तो एक का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि नो हीट इज रिक्वायर्ड, स्मॉल साइज एंड लाइट इन वेट, वेरी लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन भी इसमें ट्रांजिस्टर में काफ़ी कम होता है। अगर 23 बोल रहा है किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है, पीएनपीएन है, जेनर डायोड है या फिर पावर डायोड है, तीन का सही आंसर हो जाएगा ए, एनपीएन, यहाँ पर पी है और ए, पी से एन की ओर इसका डायरेक्शन होता है, तो ए हो जाएगा एनपीएन। कलेक्टर कलेक्ट, चार नंबर क्वेश्चन, कलेक्टर कलेक्ट्स इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो चार का होगा होल फ्रॉम द बेस इन केस ऑफ पीएनपी, पी से एन की ओर मतलब कि जो बेस होगा उस तरफ होल आएगा, ठीक है, तो होल कलेक्टर क्या कलेक्ट करेगा, होल फ्रॉम बेस इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, डी इसका सही आंसर होगा। पांच है इन पीएनपी ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द कलेक्टर बायस जंक्शन इज रिवर्स बेस्ड एंड इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कॉमन कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बेस होता है और इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बेस्ड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 24 रिप्रेजेंट, यहाँ पर फिगर 24 पूछ रहा है कि वो क्या है, फिगर 24 देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएनपी, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। उसके बाद ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ, पीएनपी ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन मस्ट ट्रांजिस्टर द कलेक्टर रीजन इज मेड फिजिकली लार्जर देन इमीटर, बोल रहा है कलेक्टर रीजन इमीटर के कंपेयर में बड़ा होता है, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर है फॉर डिसिपेसिंग हीट, कलेक्टर में हीट ज़्यादा होता है, हीट को डिसिपेट करने के लिए उसका साइज बड़ा करके रखा जाता है। इन ए ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड वेरी थीन, तो वो हो जाएगा बेस जो कि काफ़ी लाइटली डोप्ड होता है और काफ़ी थीन होता है। दस है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द फंक्शन ऑफ इमीटर इज, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर का फंक्शन क्या होता है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, टू इमिट और इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एनपीएन है तो एनपीएन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट और इमिट करेगा। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द इमिटर जंक्शन इज, इमिटर जंक्शन क्या होगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फॉरवर्ड बेस्ड होता है और जो फॉरवर्ड बेस्ड होगा तो ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर व्हेन इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बेस्ड ट्रांजिस्टर विथ ऑपरेट, एनपीएन ट्रांजिस्टर है इमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बेस्ड है, एक फॉरवर्ड में है और दूसरा रिवर्स बेस्ड में है, तो ये क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक्टिव रीजन, ठीक है, जब दोनों फॉरवर्ड होता है तो सैचुरेशन रीजन होता है और जब दोनों रिवर्स होता है तो कट ऑफ रीजन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ए ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन इनवर्टेड रीजन, ट्रांजिस्टर जो है इनवर्टेड रीजन में ऑपरेट करेगा व्हेन, तो 13 का सही आंसर होगा इमीटर जंक्शन इज रिवर्स बेस्ड,
ठीक है, इन्वर्टेड रीजन में तब ऑपरेट करेगा जब इमीटर जंक्शन रिवर्स बेस होगा और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बेस होगा, ठीक है। उसके बाद इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन फ्लो, 14 नंबर का सही आंसर बी होगा, इनटू द ट्रांजिस्टर एट बेस, इनटू द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बेस जो होगा, इनटू द ट्रांजिस्टर एट बेस, बेस पर अंदर की ओर एंड कलेक्टर लीड, बेस और कलेक्टर दोनों पर अंदर की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। उसके बाद 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 15 में बोल रहा है कौन सा सही है, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है एफईटी इज यूनिपोलर, एफईटी क्या है, यूनिपोलर है, वाइल जंक्शन ट्रांजिस्टर इज बाइपोलर, एफईटी में सिर्फ यूनिपोलर होता है और बीजेटी में इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है, इसको बाइपोलर बोलते हैं। मस्ट अ स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर आर, इसमें मस्ट अ स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर पूछा है, सबसे छोटा सिग्नल ट्रांसफॉर्मर ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, NPN सिलिकन इन ए प्लास्टिक पैकेज, NPN सिलिकन इन प्लास्टिक पैकेज, मस्ट अ स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में फेल ड्यू टू, ट्रांजिस्टर फेल क्यों हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ओपन वेल्ड एट वायर लीड टू सेमीकंडक्टर, शॉर्ट सर्किट कॉल्ड बाय मोमेंटरी ओवरलीड, शॉर्ट सर्किट भी वजह हो सकता है, ओवरहीटिंग भी रीजन हो सकता है, तो इसमें से सही सारा है। उसके बाद 18 नंबर है, द ट्रांजिस्टर इज यूजुअली इनकैप्सुल्ड इन, ट्रांजिस्टर जनरली किस चीज़ में इनकैप्सुल किया हुआ रहता है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, इपॉक्सी रेजिन इसका सही आंसर है। एरोहेड ऑन अ ट्रांजिस्टर सिंबल इंडिकेट, एरोहेड क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ हॉल करंट, ये हॉल करंट डायरेक्शन ऑफ हॉल करंट को इंडिकेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं 20, पावर ट्रांजिस्टर आर इनवेरिएबल प्रोवाइडेड विथ हीट सिंक, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पावर ट्रांजिस्टर आर इनवेरिएबल प्रोवाइडेड विथ हीट सिंक, हीट सिंक के साथ प्रोवाइड किया जाता है, द हीट सिंक डिस्पोज ऑफ हीट मेनली बाय नेचुरल कन्वेक्शन, कौन सा मेथड यूज करता है, हीट सिंक नेचुरल कन्वेक्शन मेथड से हीट को बाहर निकालता है। लार्जेस्ट करंट फ्लो ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अकर, सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो करता है, इमीटर में, क्योंकि आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, तो सबसे ज़्यादा इमीटर में हो जाएगा। उसके बाद कन्वेंशनल बायसिंग ऑफ है बीजेटी ट्रांजिस्टर हैज, कन्वेंशनल बायसिंग क्या होता है, तो ई बी होता है फॉरवर्ड बायस में और सी बी होता है रिवर्स बायस में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्पेसिफिकेशन कर चुके हैं हम लोग, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इफ द इमीटर जंक्शन इज रिवर्स बेस्ड, इमीटर रिवर्स बेस्ड है और कलेक्टर जंक्शन ही अल्सो बेस, कलेक्टर भी रिवर्स बेस में, तो दोनों रिवर्स बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांजिस्टर हैज कलेक्टर इमीटर एंड बेस, इफ इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रॉन फ्लो इनटू द ट्रांजिस्टर एट पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करता है, तो 27 का सही आंसर डी होगा, 1 और 3, ठीक है, कलेक्टर और बेस में, पीएनपी में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो कलेक्टर और बेस में फ्लो करता है। ए डायक इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एक्ट, इसमें क्या होता है, डायक में दो टर्मिनल होता है और ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर व्हेन इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस्ड, इमीटर एक फॉरवर्ड में है और कलेक्टर रिवर्स बेस्ड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी नैरो, ठीक है, ट्रांजिस्टर में बेस जो होना चाहिए काफ़ी पतला होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट जो है कलेक्टर से होकर के बाहर निकले। उसके बाद 31 कर चुके हैं, 32 है, ए ट्रायक, ट्रायक इज सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एक्ट एज, तो ट्रायक में दो टर्मिनल होता है और ए बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, सॉरी, ट्रायक में हमारा तीन हो जाएगा, ठीक है, तीन टर्मिनल होगा और ये बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। 32 का सी सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, 33 न्यूमेरिकल है, 34 भी न्यूमेरिकल है, 35 है, विच ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज बेस्ट गेन, सबसे अच्छा गेन किसका होता है, कॉमन इमीटर का सबसे अच्छा होता है, और उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर का सबसे कम होता है, विच
सर्किट हैज इट्स आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द एमीटर, व्हिच सर्किट हैज इट्स आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द एमीटर। तो कॉमन कलेक्टर में, कॉमन कलेक्टर में हम लोग इनपुट देते हैं बेस को और आउटपुट लेते हैं एमीटर से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कॉमन कलेक्टर या फिर एमीटर फॉलोअर उसको बोलते हैं। इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बेस, नॉर्मल बेस के लिए क्या होगा, इमीटर जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस। इमीटर फॉरवर्ड बेस्ड होता है नॉर्मल बेसिंग में और एक काफ़ी लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उसके बाद द करंट आई सी बी ओ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। आई सी बी ओ फ्लो इन बेस एंड कलेक्टर लीड, आई सी बी ओ कहाँ पर फ्लो करता है, बेस और कलेक्टर लीड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, इन PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर एज कम्पेयर टू बेस रीजन द इमीटर रीजन इज मोर हैवली डोप्ड। PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर में बोल रहा है कि बेस रीजन की तुलना में इमीटर रीजन ज़्यादा हैवली डोप्ड होता है, इसके पीछे वजह क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका सही आंसर होगा डी, द फ्लो अक्रॉस द बेस रीजन इज मेनली बिकॉज ऑफ होल, फ्लो जो होता है मेनली होल की वजह से होता है। उसके बाद 41 है, इन ए ट्रांजिस्टर अल्फा रिलेटेड टू बीटा, तो बीटा का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और बीटा हाई तब आएगा जब नीचे का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो सॉरी नीचे का वैल्यू ऊपर कंपेयर में जब कम होगा तब एक से ज़्यादा आएगा और हम लोग को आंसर एक से ज़्यादा के टर्म में ही लिखना है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बटा अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन अल्फा से छोटा है तो ये जो वैल्यू है एक से बड़ा होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, 42-44 को छोड़ देंगे, 44 हो चुका है, 45 थर्मल रनवे ऑफ ए ट्रांजिस्टर अकर व्हेन, थर्मल रनवे कब होता है। तो 45 का सही आंसर होगा सी, देयर इज एक्सेसिव लीकेज करंट ड्यू टेम्परेचर राइज, ठीक है। टेम्परेचर राइज के कारण एक्सेसिव जो लीकेज करंट फ्लो करता है उसकी वजह से थर्मल रनवे होता है। द लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मे बी अराउंड, कॉमन बेस में पिछला हम लोग कॉमन एमीटर में पढ़े थे, अभी पूछ रहा है कॉमन बेस में लीकेज करंट कितना होता है। तो इसका सही वैल्यू हो जाएगा फ्यू माइक्रो एम्पियर। उसके बाद एज कम्पेयर टू कॉमन बेस एम्पलीफायर, ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैज हायर करंट एम्पलीफिकेशन, सी बी के कंपेयर में सी का एम्पलीफिकेशन ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद इन रेजिस्टेंस लोडेड आर सी कपल्ड एम्पलीफायर द डी सी कंपोनेंट इज ब्लॉक्ड बाई, ये हो जाएगा कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। इन रेजिस्टेंस लोडेड आर सी कपल्ड एम्पलीफायर द डी सी कंपोनेंट कैसे ब्लॉक करता है वो, तो कपलिंग कैपेसिटर की मदद से। व्हेन जंक्शन ट्रांजिस्टर इज रेफर्ड फॉर हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, विच जंक्शन ट्रांजिस्टर रेफर्ड, कौन सा जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो हाई इनपुट और लो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए रेफर किया जाता है, तो है कॉमन कलेक्टर जिसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, बाकी इन दोनों में इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, कॉमन इमीटर में मीडियम होता है, कॉमन बेस में लो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन इज लिटिल यूज्ड बिकॉज, कॉमन बेस बहुत कम यूज होता है, क्यों, क्योंकि इसका लो इनपुट इम्पीडेंस होता है। उसके बाद कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है हाई करंट एंड हाई वोल्टेज गेन, इसका करंट और वोल्टेज गेन दोनों हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इमीटर रीजन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोर हैवली डोप्ड देन बेस रीजन, बोल रहा है कि इमीटर रीजन ज़्यादा हैवली डोप्ड रहता है। इमीटर रीजन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोर हैवली डोप्ड देन बेस रीजन, इमीटर रीजन बेस रीजन के कंपेयर में ज़्यादा हैवली डोप्ड रहता है, ऐसा क्यों। तो आंसर हो जाएगा फ्लो अक्रॉस द बेस रीजन विल बी मेनली ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस रीजन में मेनली जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए जो एनपीएन में इमीटर रीजन होता है वो हैवली डोप्ड होता है इन कंपेयर ऑफ बेस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड टू डिटरमाइन बीटा, कौन सा प्लॉट है जो कि डायरेक्टली बीटा को पता करने के लिए यूज होता है। सही आंसर हो जाएगा वी सी वर्सेस आई सी, और यहाँ पर आई वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, वी सी और आई सी से अगर आई बी कॉन्स्टेंट हो तो हम लोग बीटा निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर मोड इट विल, अगर कॉमन इमीटर मोड में ट्रांजिस्टर कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, कॉमन इमीटर में इनपुट रेजिस्टेंस मीडियम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ उसी को पढ़ लेते हैं। द इमीटर इंजेक्ट हॉल इन टू द बेस, इमीटर क्या करता है, हॉल को बेस में इंजेक्ट करता है, किस में, पी एन पी के केस में, एंड इलेक्ट्रॉन इन टू द बेस रीजन ऑफ द एन पी एन, और एन पी एन केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बेस की ओर भेजा जाता है, ठीक है। इमीटर जो होता है इलेक्ट्रॉन को बेस में इंजेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कहने का मतलब है कि पीएनपी रहा तो बेस में हॉल जाएगा और एनपीएन रहा तो बेस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है द एफईटी हैज, एफईटी क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। द क्वेश्चेंट स्टेट हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन सा चीज नहीं होता है, हीटर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज बेस्ट गेन, बेस्ट गेन किसका होता है, कॉमन इमीटर का। यहाँ पर 79, फॉर एम्पलीफायर द इनपुट आउटपुट सिग्नल आर शोन इन फिगर 28, यहाँ पर इनपुट दिखाया गया है और ये हमारा आउटपुट है। ये बोल रहा है किस क्लास का एम्पलीफायर है, तो ये हमारा क्लास सी एम्पलीफायर होगा। क्लास सी एम्पलीफायर में जो आउटपुट मिलता है लेस देन 180 डिग्री मिलता है, तो यहाँ पर लेस देन 180 दिखाया गया है। उसके बाद 80 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लास बी एम्पलीफायर, तो इसका स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद 81, विच ऑफ द टू कास्केडेड स्टेज हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 30, द ओवरऑल गेन इज, यहाँ पर दो ठो कास्केडेड स्टेज है, ठीक है, द वोल्टेज गेन 30 30 दोनों का, तो 30 × 30 900 आंसर हो जाएगा ओवरऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 हो चुका है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन हैज नो फेज वोल्टेज इन्वर्जन ऑफ द सिग्नल, किसमें फेज इन्वर्जन नहीं होगा, तो दो कॉमन इमीटर जब इवन होता है तो नहीं होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 87, थ्री कस्केडेड स्टेज हैविंग गेन 10 20 एंड 25, द ओवरऑल गेन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5000। उसके बाद हाउ मेनी कस्केडेड स्टेज ऑफ सी ई एम्पलीफायर विल रिजल्ट ए पोलारिटी इन्वर्जन, तो पोलारिटी इन्वर्जन होने के लिए ऑड होना चाहिए, तीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कॉमन इमीटर का जो आउटपुट होगा वो उसमें इन्वर्जन होगा, 180 फेज शिफ्ट आएगा अगर हम लोग यूज करेंगे तो, दो के लिए 360 हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, ए बाइपोलर ट्रांजेक्शन ट्रांजिस्टर इज ए, बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, और एफईटी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो 95 का ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 में आते हैं, 98 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो 98 में देख लेते हैं फॉल्स कौन है, जनरल डायोड इज यूज्ड एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स, सही है। एसजीआर इज अ सिलिकॉन रेक्टिफायर विथ ए गेट इलेक्ट्रोड टू कंट्रोल व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, गेट कंट्रोल करने के लिए होता है एसटीआर में, तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द गेट इलेक्ट्रोड इन एफईटी करस्पोंड कलेक्टर इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो इसमें तीनों का तीनों सही है, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें गलत नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कंसिडरेशन ऑफ द बेस करंट फ्लोइंग बिफोर द स्विच वाज थ्रोन एस्टिमेट द इफेक्टिव लाइफ टाइम टी एस फॉर ए मैग्नेटिक कैरियर इन बेस, तो मैग्नेटिक कैरियर के लिए 108 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए, 0.1 माइक्रो सेकेंड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिपोलर डिवाइस, तो एफईटी यूनिपोलर डिवाइस है। उसके बाद 111 है व्हेन एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट आर यूज्ड इन एनहांसमेंट मोड द गेट विल बी निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, जब एन चैनल होगा डिप्लेशन टाइप में तो गेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में, इन ए एम्पलीफायर द डिग्री बाय व्हिच द आउटपुट सिग्नल वेव शेप डिफर फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन, शेप में चेंजिंग आता है इसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बाकी का हो चुका है, ठीक है, 120 तक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स में, 121 है फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू एनपीएन ट्रांजिस्टर बाय पॉजिटिव टू द इमीटर एंड नेगेटिव टू द बेस, तो 121 का ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 122 है
122 बोल रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो वफर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक एन टाइप होगा और दोनों जंक्शन और दो दो जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो ये हमारा 122 का सही है। उसके बाद आते हैं 123 में, बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड, सही है, थिन भी होता है। आते हैं 124 में, 124 बोल रहा है एचसीएल इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर विथ ए गेट इलेक्ट्रोड टू कंट्रोल व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो 125 का ए हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, 125 ट्रू है। और 124 आईसीओ इन ए डायोड एंड आईसीबी इन ए ट्रांजिस्टर कंजिस्ट ऑफ मेजोरिटी कैरियर, ये गलत है, माइनॉरिटी कैरियर होता है। और उसके बाद है द कलेक्टर सर्किट इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑलवेज हैज रिवर्स वोल्टेज व्हाइल द बेस इमिटर सर्किट हैज फॉरवर्ड बायस। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। 127 बोल रहा है द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट इज यूज्ड मस्ट ऑफन बिकॉज इट हैज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट गेन। कॉमन इमिटर का बिल्कुल सही है। उसके बाद 128 नंबर बोल रहा है द डीसी आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ए पावर सप्लाई इंक्रीज विथ हायर वैल्यू ऑफ फिल्टर कैपेसिटेंस बट डिक्रीज विथ मोर लोड करंट, ये भी सही है। उसके बाद आते हैं 129, व्हेन ए 1 वोल्ट इंक्रीज इन द गेट वोल्टेज चेंजेस द ड्रेन करंट 10 मिली एम्पियर इन एफईटी जीएम इक्वल इतना। तो 129 का हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 130 नंबर, 130 में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैव मच लेस लीकेज करंट एज कम्पेयर टू जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। तो ये भी सही है, सिलिकॉन का बहुत कम होता है, नैनो के रेंज में होता है, और जर्मेनियम का माइक्रो के रेंज में होता है। 131 है पीएनपी ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज एम्पलीफायर व्हाइल एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज्ड रेक्टिफायर ओनली, ये हमारा फॉल्स है। उसके बाद आते हैं 132 नंबर, इन द सिमेट्रिक सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर द एरो हेड ऑन द इमीटर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हॉल करंट, बिल्कुल हॉल करंट का डायरेक्शन एरो बताता है, इनटू द बेस फॉर ए पी इमीटर और आउट फ्रॉम द बेस फॉर एन इमीटर, ये सही है। 133 नंबर, इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज होल चार्जेज सप्लाइड बाई इमीटर। तो 133 का फॉल्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा होल की जगह पर। द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई टू द कलेक्टर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज पोलरिटी फॉर रिवर्स। 134 का ये ट्रू है। 135 एफईटी हैज ए वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, 135 सही है। 136 द जनरल डायोड यूज इज कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स, सही है। 137 एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज एट द बेस विथ रेस्पेक्ट टू इमीटर प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस। तो 137 नंबर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पी हम लोग पॉजिटिव रखते हैं और एन वाला टर्म इमीटर वाला इसमें निगेटिव होगा, बेस वाला पॉजिटिव होगा, तो फॉरवर्ड बेस होगा। 100 उसके बाद आते हैं 138 नंबर में, 138 बोल रहा है द कलेक्टर रीजन इज मेड फिजिकली लार्जर देन इमीटर रीजन, बिल्कुल सही है। कलेक्टर रीजन बड़ा बनाते हैं हम लोग साइज में, इट इज रिक्वायर्ड टू डिसिपेट मोर हीट, मोर हीट डिसिपेट करता है इसलिए। बीटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कंपेयर कलेक्टर करंट टू बेस करंट, बिल्कुल सही, आई सी बराबर बीटा आई बी होता है। बीटा का वैल्यू 0.9899, ये गलत है, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ये अल्फा का वैल्यू होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो वाटर ऑफ पी सेमी कंडक्टर फॉर्मिंग टू जंक्शन विथ एन टाइप सेमी कंडक्टर, सही है। कॉमन इमीटर मोड लीकेज करंट इज लो, तो 142 का सही आंसर हो जाएगा, फॉल्स, लीकेज करंट कॉमन इमीटर में हाई होता है। बायस स्टेबलाइजेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट थर्मल रनवे, तो 143 का आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। 144 हो चुका है, 45 एनपीएन ट्रांजिस्टर नेगेटिव वोल्टेज नीडेड एट कलेक्टर, तो 145 का ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 147 ये है द ट्रैक इज यूनिडायरेक्शनल, तो ट्रैक बाय डायरेक्शनल होता है, गलत है। उसके बाद कॉमन इमीटर सर्किट 149 हैज इनपुट सिग्नल टू द बेस एंड आउटपुट फॉर द कलेक्टर, तो 149 हमारा ट्रू हो जाएगा। और 50 एफईटी इज यूनिपोलर, सही है, विथ आइदर एन एन और पी चैनल, इसमें दो चैनल होता है, या तो एन चैनल होता है या फिर पी चैनल होता है। तो ये था टोटल डिस्कशन आज के हांडा बुक का, ठीक है, ट्रांजिस्टर चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं, थैंक यू।